Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So as you can see on the screen, this is the official syllabus for of sociology for your GATE examination. तो GATE examination के लिए if you are planning to give the entrance, तो ये आपका sociology का syllabus है. As you know कि last date निकल चुकी है, अब आपका 7th of October तक late fees के साथ जो है वो form open है. तो जिसने भी fill नहीं किया है, they can fill up their form. और generally देखिए, exam की तैयारी करने से पहले it is important कि हम उसके syllabus को discuss कर लें. सो यहाँ पे ये कंप्लीट सिलेबस है. देखिए, आपने नेट के लिए कुछ लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे, कुछ पीजीटी सोशियोलॉजी के लिए, कुछ ने एमए के लिए किया होगा कभी प्रिपेयर, या पीएचडी एंट्रेंस के लिए आप लोगों ने अगर तैयारी की है. सो दिस इज द सिलेबस दैट यू कैन सी हियर. तो क्या कॉमन है, क्या आपने पढ़ा हुआ है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, ये सिलेबस देख के आप लोग अगेन अपनी प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं. टोटल देखेंगे आप यहाँ पे कितनी यूनिट है. द फर्स्ट यूनिट इज सोशियोलॉजिकल थ्योरी, 6.1 आप देख सकते हैं. द सेकंड यूनिट इज रिसर्च मेथडोलॉजी एंड मेथड्स, C6.2 एज यू कैन सी दिस ऑन द स्क्रीन. देन द थर्ड इज C6.3 सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, दिस इज द थर्ड यूनिट. द फोर्थ यूनिट इज देखिए C6.4 एग्रेरियन सोशियोलॉजी एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन. देन वी हैव द फिफ्थ यूनिट फैमिली मैरिज एंड किनशिप, इसकी प्रॉपर डिटेलिंग एंड थियोरेटिकल अप्रोच. देन वी हैव C6.6 यूनिट इंडियन सोसाइटी एंड सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया. देन वी हैव 7th यूनिट सोशल मूवमेंट, एंड हियर इज द 8th यूनिट सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट. अब ये सिर्फ 8 यूनिट ऐसे डायरेक्टली जो दिख रही है नहीं है, यू कैन सी कि कितना डिटेल सिलेबस है, इन डेप्थ मेंशन है, एक एक चीज यहाँ पे मेंशन है. थ्योरी में आपके पास मेंशन है कि आपको एमिली डर्केम पढ़ना है, डर्केम की सारी थ्योरीज कवर करनी है. देन आपको मैक्स वेबर पढ़ना है, कार्ल मार्क्स पढ़ना है, उनकी पूरी थ्योरी कवर करनी है. फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, इनमें जितने भी थिंकर आते हैं लाइक मैलिनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, टैलकट पार्सन की सारी अप्रोचेस, आर के मैटन, लेवी स्ट्रॉस, इन सबकी डिटेलिंग पढ़नी है सोशियोलॉजिकल थ्योरी में. हर्मेनिटिक का कंसेप्ट, इंपेरेटिव ट्रेडिशन जिसमें आप मीड, जीएच मीड के सारे कंसेप्ट, सिग्निफिकेंट अदर, आई एंड मी वाले जो जितने भी कंसेप्ट हैं इनके, आप हैरोल्ड गारफिंकर, एरविन गॉफमैन, क्लिफर्ड गर्ड्स, इन सबके डिटेल कंसेप्ट को पढ़ेंगे. देन पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट कॉलोनिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के कंसेप्ट को पढ़ना है. इसमें जितने भी थिंकर्स आते हैं, जुर्गेन हेबरमास, एंथनी गिडन, फ्रैंक क्रिफ्ट स्कूल के बारे में पढ़ेंगे, माइकल फोकल के बारे में सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी है. कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो कि राल्फ डेंडरड्रॉफ एंड सी राइट मिल्स का डिटेलिंग है. इंडियन थिंकर जिसमें गांधी जी, अंबेडकर, राधा कमल मुखर्जी, जी एस गुरे, एम एन श्रीनिवास, ईरावती कर्वे जाते हैं. दिस इज योर फर्स्ट यूनिट. इतनी डिटेलिंग पढ़ के आपकी फर्स्ट यूनिट कवर होगी. देन द सेकेंड इज रिसर्च मेथडोलॉजीज एंड मेथड, जिसमें सोशल रियलिटी के बारे में पढ़ना है, साइंटिफिक मेथड, एपिस्टेमोलॉजी, ऑब्जेक्टिविटी एंड रिफ्लेक्सिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एथिक्स एंड पॉलिटिकल पॉलिटिक्स ऑफ रिसर्च पढ़ना है, रिसर्च डिजाइन किस तरीके से आप सोशल साइंस का जो रिसर्च है उसको रीड करते हो, डेटा डॉक्यूमेंट के बारे में, इंडक्शन, डिडक्टिव अप्रोच, फैक्ट्स, कंसेप्ट एंड थ्योरी, हाइपोथेसिस के बारे में डिटेल में पढ़ना है, रिसर्च क्वेश्चन एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, ये पढ़ना है. देन यू हैव क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड, जिसमें एथनोग्राफी, सर्वे, हिस्टोरिकल मेथड, कंपैरेटिव मेथड, ये पार्ट रहेगा. देन देयर इज रिसर्च टेक्निक, जिसमें सैम्पलिंग, जो आपकी सैम्पलिंग टेक्निक होती है, जिसमें प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चनेयर, शेड्यूल, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इंटरव्यू, केस स्टडी, ये सब डिटेल में पढ़ना है. देन आपकी सेकेंड यूनिट कवर होगी. थर्ड यूनिट की बात करें, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जिसमें सोशल स्ट्रक्चर, नेटवर्क, स्टेटस, रोल, आइडेंटिटी, सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, डायस्पोरा, ये सब जितने भी थ्योरीज हैं, और इनसे जब थ्योरीज पढ़ेंगे देन यू विल ऑल्सो स्टडी द थिंकर एसोसिएटेड विद दैट. तो एक दो थिंकर नहीं है, आई विल प्रिपेयर अ सेपरेट वीडियो कि कितने थिंकर्स का बेसिक आपको कवर करना है फॉर योर गेट एग्जामिनेशन. इसी में सोशल सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में आप प्रॉपर इंस्टीट्यूशन, जिसमें मैरिज, फैमिली, किनशिप की डिटेल देखेंगे, पॉलिटी, एजुकेशन, लॉ, कस्टम, ये सब पढ़ना है. देन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जो ग्रुप डिवीजन होता है, स्ट्रैटा में डिवाइड किया जाता है, जिसमें डिफरेंस, हायरार्की, इनइक्वालिटी, मार्जिनलाइजेशन, कास्ट, क्लास, स्टेटस, पावर, जेंडर, रेस, ट्राइब, एथनिसिटी, ये सब पढ़ना है. देन वी हैव सोशल चेंज, इसमें प्रॉपर इवॉल्व कैसे हुई सोसाइटी, डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट, मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल जो मोबिलिटी होती है जिसमें संस्कृताइजेशन का रोल, एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल चेंज, ये सब कवर करेंगे. देन आपकी पूरी थर्ड यूनिट कवर होगी. देन इफ वी टॉक अबाउट फोर्थ यूनिट, तो आप देखेंगे एग्रेरियन सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, एंड किस तरीके से आपकी जो रूरल सोसाइटी है वो ट्रांसफॉर्म कर रही थी. इसमें प्रॉपर रूरल एंड पीजेंट सोसाइटी, कास्ट ट्राइब में जो डिस्कशन होता है, रूरल अर्बन कॉन्टिनम अप्रोच, एग्रीकल्चर का एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, लैंड ओनरशिप, लैंड को लेके जो रिफॉर्म आए, फ्यूडलिज्म, उस पर किस सोशियोलॉजिस्ट ने काम करा है वो भी आप पढ़ोगे, मोड ऑफ प्रोडक्शन पढ़ोगे, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली कार्ल मार्क्स का नाम हम लोग देखेंगे,
और ऑलरेडी वो हम ऊपर पढ़ ही चुके होंगे। पंचायती राज का कंसेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। पंचायती राज को डिटेल में देखना है, ग्रीन रिवोल्यूशन का कंसेप्ट पढ़ना है, जितने भी पीजेंट एंड फार्मर मूवमेंट हुए वो आपको फोर्थ यूनिट में करना है। देन वी हैव फिफ्थ यूनिट में पूरा फैमिली मैरिज किनशिप का कंसेप्ट करना है, इसमें अलायंस थ्योरी आपकी आएगी, डिसेंट थ्योरी आएगी, जेंडर रिलेशन, पावर डायनेमिक्स, सक्सेशन एंड अथॉरिटी का कंसेप्ट जाएगा, देन यहाँ पे जेंडर सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन जाएगा, ये सब आपके फिफ्थ यूनिट का पार्ट हो जाएगा। देन वी हैव सिक्स यूनिट, यू कैन सी इंडियन सोसाइटी एंड सोशोलॉजी ऑफ इंडिया, जिसमें आपको प्रॉपर इंडियन सोशोलॉजिस्ट जितने भी हैं, अभी जी एस घुरे की सारी चीज़ें, आपका इंडोलॉजिकल परस्पेक्टिव, ये सब कुछ यहाँ पे कवर करना है। एम एन श्रीनिवास की अप्रोचेस, डायलेक्टिकल अप्रोच ऑफ ए आर देसाई, आर गुहा, नॉन ब्राह्मण परस्पेक्टिव जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम जाता है, फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव, लीला दुबे, इनमें नाम जाएगा आपका। सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, कास्ट, क्लास, ट्राइब, जेंडर, ये सब टॉपिक हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे, जिसमें पीजेंट एंड एग्रेरियन सोशियोलॉजी भी जाएगा। तो यहाँ तक हमारी सिक्स यूनिट होती हैं। सो दिस इज द सेवेंथ यूनिट, दिस इज रिगार्डिंग सोशल मूवमेंट, जिसमें आप सोशल मूवमेंट इसके टाइप्स पढ़ेंगे, ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन है जिसमें नेचर, डेफिनेशन, फीचर, सोशल मूवमेंट और सोशल चेंज, इसके टाइप क्या रहे, टाइप आप देख सकते हैं, जैसे रिफॉर्म, रिवीलियन, रिवाइवल, रिवोल्यूशन, ये सब डिफरेंट टाइप हैं जो डिटेल में जब आप लोग स्टडी करोगे तो आप पढ़ोगे। थ्योरीज क्या रही सोशल मूवमेंट की, जिसमें अगेन थ्योरीज में मार्क्स की क्या थ्योरी थी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, न्यू सोशल मूवमेंट, ये सब यहाँ देखने हैं। देन सोशल मूवमेंट इन इंडिया विथ स्पेसिफिक रेफरेंस टू सोशल बेसिस, लीडरशिप, आइडियोलॉजी एंड एक्शंस, जिसमें आप लेबर मूवमेंट, दलित मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, वुमेन मूवमेंट, एनवायरमेंट मूवमेंट, इसमें सारे मूवमेंट को बाय द नेम और किसने उनको लीड किया, किस जगह पे वो मूवमेंट इनिशिएट किया गया, ये सब देखना है। देन सोशल मूवमेंट, सिविल सोसाइटी एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें ग्लोबलाइजेशन को लेकर जो भी डिबेट्स रही हैं, सिटीजनशिप इशू, ये सब आप इस यूनिट में बात करेंगे। देन वी हैव द लास्ट यूनिट, सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, परस्पेक्टिव ऑन द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या, डेवलपमेंट की डेफिनेशन, लिबरल पीपल के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग, नियो मार्क्सिस्ट परस्पेक्टिव, इसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का क्या कंसेप्ट है, ये पढ़ना है। फिर स्टेट एंड मार्केट को लेकर इंस्टीट्यूशन एंड आइडियोलॉजी, जिसमें प्लान डेवलपमेंट, सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन की बात करनी है। देन माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटी, जो कम्युनिटी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जैसे कि नॉलेज ऑफ पावर का क्या रोल है डेवलपमेंट में, रीइन्वेंटिंग डेवलपमेंट की बात करेंगे, पोस्ट कॉलोनियल डेवलपमेंट, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलपमेंट का मीनिंग किस तरीके से चेंज हो रहा था, ये हम देखेंगे। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग इसमें आप लोग देखोगे, पोस्ट स्ट्रक्चरल जो परस्पेक्टिव रहे इसके, पोस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट पैराडिग्म, फेमिनिस्ट क्रिटिक का बारे में यहाँ पे, ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, ये सब आपके सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट में चले जाएंगे। आई होप ये सब आपने कहीं ना कहीं अपने मास्टर में थोड़ी बहुत चीजें लिंक करके पढ़ी होंगी, बट स्टिल नहीं पढ़ी है तो यू हैव द सिलेबस, आपके पास डेट है एग्जाम की, फरवरी में आपका फर्स्ट से सेकेंड वीक तक एग्जाम हो जाएगा, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज द होल सिलेबस ऑफ योर सोशियोलॉजी एग्जाम।